भाई पूछ रहे हैं कि जंगे जमल का जिस तरह वाक़या मिलता है और अगर वो कुरान के ख़िलाफ़ जा रहा है तो ये हज़रत अली और हज़रत माविया के ताल्लुक से भी मिलता है कि उनके अंदर भी जंग थी और ये था और ये चीज़ें बताई जाती हैं। देखिए असल में तो बात ये है कि तारीख़ी जो रिवायत है हमारे यहाँ पर उस पर तो हमारे उलमा खुद कहते हैं कि इसके ऊपर तहकीक नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास में हदीस का ज़खीरा आज तक भी इतना है, इतना हमारे पास ज़खीरा है कि उसके अंदर ही मुमकिन नहीं हो सका कि हदीसों को हम छांट कर सही और गलत अलग कर सके, आज तक नहीं हुआ, वो भी तक आज तक चल रहा है। तो भी तारीख तो हमारी कि अभी छेड़ी भी नहीं गई कि उसके अंदर कौन सा वाक्य सच्चा है कौन सा झूठा है, तो अपने हिसाब से लोग पढ़ते जो उनको लगता है वो हदीसों से या उससे बेच कर कर उसको ले लेते और ये चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। और ये तारीखी रिवायत की वजह से हम देखते हैं कि लोग इतनी गलत फहमियों के अंदर चले गए। जैसे आज जो हम देख रहे हैं सबसे बड़ी जो समस्या दुनिया की बनी हुई है ये गलत फहमी की बुनियाद पर बनी हुई। गलत फहमी क्या, यही तारीखी रिवायत की वजह से बनी हुई है। आज हर तरफ जो है आतंक फैला हुआ है, आतंक फैलाने के अंदर कौन किसका नाम आता है, मुसलमान। हम फिर हम चाहे कहें कि नहीं हर आतंकवादी मुसलमान तो नहीं होता, लेकिन जो भी है वो तो मुसलमान ही होता है, ये बात भी सच है, इसके अंदर मुकरने की बात नहीं है, उसके अंदर है मुसलमानी है। अब ये क्यों उधर भटक रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनको एक तो गलत तफसीलात और ये तारीखी रिवायत की वजह से, क्योंकि उसमें ये कहा जाता है। अब यही ये भी उसके अंदर भी हो सकता है कि बहुत सारी इसके अंदर मेरी तहकीक नहीं है, उसके अंदर क्या इन्होंने हज़रत अली और माविया के अंदर बीच में क्या था और क्या नहीं था और कैसे उनमें जंगे हुई क्या है। और अगर हम जब कह रहे हैं कि दोनों साहबा हैं और अल्लाह ने इनके ताल्लुक से कह दिया और हज़रत माविया के लिए एक लोग तो जो उनको बुरा कह रहे और उसमें भी फिर कहते कि कुछ नहीं मत मत बोलो, जुबान को खामोश रखो। अरे वो साहबा हैं, उनके लिए अल्लाह ने कह दिया कुरान के अंदर के वो एक दूसरे के लिए अल्लाह इनसे राजी, वो अल्लाह से राजी है और एक दूसरे पर ये नरम है। तो फिर अगर दोनों के बीच की ऐसी बात की जाती है कि जंग और एक दूसरे को मारना तो हो नहीं सकता, ये कुरान के खिलाफ, तो हम उसको नहीं मानेंगे। अब ये गलतफहमी की बुनियाद जो बनी ये इसमें ये बनी कि हमारे यहाँ बताया जाता है, ये तारीखों में आता है कि जंग का उसूल क्या है, जंग कैसे होती भाई, क्यों होती थी, खिलाफत कैसे कायम है, कैसे बढ़ी, तो उसका वसूल ये बताया जाता है उसके अंदर। ये कहते हैं जो तारीखों में मिलता है कि पहले जो है खलीफा जो होते थे, तो खलीफा एक बादशाह को एक खत लिखते थे और तो खत के अंदर तीन बातें होती थी कि या तो इस्लाम कबूल करो, हालांकि ये भी जो खिलाफ है क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम ने तो कुरान में अल्लाह ने क्या है कि समझाओ उसको, कितनी सारी सैकड़ों आए थे कुरान के अंदर के समझाना पड़ेगा, डायरेक्ट किसी को लिख के इस्लाम कबूल करो किसे करेगा उसको मालूम ही नहीं था। तो ये भी उसमें अब सोचेंगे तो उसके खिलाफ मिलता है, अकल के खिलाफ। लेकिन वो कहा जाता है कि वो लिखते थे कि या तो इस्लाम कबूल करो, वो अगर करा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या, नहीं करता तो जिजिया दो और हमारे अंडर में रहो, हमारी हुकूमत रहेगी, तुम भले बादशाह रहना लेकिन कानून हमारे चलेंगे, और या तो जिजिया देना पड़ेगा तुमको उसके अंदर, और तीसरी बात कह दी फिर मैदान जंग में फैसला कर लो अगर दो ही नहीं करते हो तो। उसके बाद ये फिर जंग होती थी, उसके अंदर फिर ये सब उनको हरा देते थे और फिर हमारी खिलाफत बढ़ती गई। ये तुम ये बताओगे फिर उसके बाद गैर मुस्लिम कहता है कि तलवार से फैला, तो फिर बोलते हो कि नहीं तलवार से नहीं फैला, अमन से फैला, और तुम बता खुद ये रहोगे ऐसे फैला, किसी को जोर जबरदस्ती है क्या दीन के, जब ये भी कुरान के खिलाफ है, ला इकराह फी दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो ऐसी बात होगी कि उनको ये खत लिखा जाएगा कि इस्लाम कबूल कर, वो नहीं करा तो फिर हमारे अंडर में रहे, वो नहीं करा तो मैदान जंग में आ जा। और ये तो वजह ही नहीं, कुरान के अंदर जो जंग जिहाद की वजह बताई गई वो तीन वजह है, इसके अलावा आ रही है तो फिर वही बात को मिसाल मैंने अभी पेश की थी, यकीन मत करो उसके ऊपर। कुरान के अंदर जो अल्लाह ने बताई तीन वजह से जंग जिहाद, हालांकि जिहाद का एक तो मतलब होता है स्ट्रगल करना, कोशिश करना, और अल्लाह ने तो कुरान से भी कहा कि कुरान से जिहाद करो तब के किताब लेके लड़े, तो मतलब ये कि इसकी जो बातें हैं उसको लोगों तक पहुंचा, उसमें जद्दोजहद करो, कोशिश करो, उसको कहते हैं जिहाद। तो इसके अंदर कुरान के अंदर जो हमको मिलता है कि क्या वजह है, जो तीन वजह उसमें मिलती है, ये जो जंग वाला जिहाद जो होता है उसके अंदर तीन वजह उसके अंदर हमको मालूम पड़ती है जो कुरान के अंदर बतलाई गई है। पहली तो ये कि अमन के लिए, जहाँ लोग अशांति फैलाते हों, शांति नहीं है, उन लोगों ने फितने फसाद फैला रखे हैं, तो अमन कायम करने के लिए नहीं कि मुसलमानों के अंदर कहीं पर भी अमन कायम करने के लिए उन लोगों के खिलाफ जो फितना फसाद फैला रहे हैं ज़मीन के अंदर, तो उसके लिए तुम जंग करो ताकि अमन कायम हो जाए, तो उसके लिए एक जंग हो सकती, ये जंग कुरान के अंदर मिलती है। दूसरी ये वजह कि जुल्म के खिलाफ जंग,
कि जुल्म अगर तुम पर हो रहा है तो उसके खिलाफ तुम लड़ सकते हो, डिफेंस में लड़ सकते हैं। अमन के लिए भी डिफेंस में लड़ेंगे, अमन के अंदर भी ये कि कोई हमारे ऊपर अशांति फैलाने हमारे घर के अंदर आकर हमला करे तो हम डिफेंस में खड़े हो सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, एक ये बात। दूसरी बात कि जुल्म के लिए लड़ो, जुल्म तुम पे भी कर रहा है तो उसके लिए भी लड़ो डिफेंस के लिए, और ये जुल्म अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हो रहा है या पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है, अगर इस्लामिक स्टेट है तो पड़ोस के स्टेट पर अगर हो रहा है कोई उस पर जुल्म कर रहा है तो जुल्म से बचाने के लिए फिर उससे भी लड़ो, एक ये वजह जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए कुरान ने कहा। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि क्या तुम्हें क्या हो गया, उठते क्यों नहीं, खड़े क्यों नहीं होते, जब ये बच्चे मासूम बिलख रहे हैं, यतीम बच्चे और ये बेवा औरतें तुमको पुकार रही हैं कि क्या हमारी मदद के लिए कौन नहीं, तुम्हारे रब को वो जब वो पुकार रही हैं तो तुमको क्या हो गया, उसके लिए तुम लड़ते क्यों नहीं। तो जुल्म के लिए लड़ना ये दूसरी चीज़ है, ये कुरान में हमको मिलता है। तीसरी जो जंग जिहाद वाली जो बात है वो कुरान में मिलती है, वो मिलती है हमको उसके अंदर के अगर कोई मुहाइदा आपसे किसी ने किया है, पीस टीटी की है, अमन की बात की है, जो कुरान के अंदर सूरह तौबा के अंदर वही सारी बातें बताई जाती है, उसको लोग गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश करते हैं, तो ये कि जो उसमें बताया गया है कि अगर कोई अमन ख़राब कर रहा है, तुमने किसी चीज़ को जो है मुहाइदा किया, मुहाइदा को कोई तोड़ देता है, तुम तो लिहाज रखो, तुम तो तोड़ो मत मुहाइदा, और यहाँ तक उभारा गया है कि ठीक है जहाँ तक हो दरगुजर करो, माफ़ करो, छोड़ दो, लेकिन फिर भी अगर सामने वाला मुहाइदा तोड़े, उसमें भी जहाँ तक माफ़ होता है तो माफ़ करो, और फिर वो मोमिनों पे छोड़ा, मुसलमानों पे छोड़ा, उसमें कहा ही नहीं कि वो मुहाइदा तोड़ दिया तो तुम जाके जंग लड़ो, कहा कि उसके बाद तुम चाहो तो फिर उसके लिए तुम्हें ज़रूरी कि उठ खड़े हो, उन्होंने वायदे खिलाफ ही किया। तो ये तीन वजह मिलती, एक वजह अमन करने के लिए, डिफेंस के लिए, अमन फैलाने के लिए, दूसरी वजह जुल्म के लिए, और तीसरी वजह कि इस तरह का कोई मुहाइदा आपका हो, जो ये होता है और आज भी हो रहा है जो मुल्कों के अंदर, ये भी एक वजह, इतनी सारे मुल्कों के अंदर है फिर इस्लाम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि साहब ये पूरी तौबा पूरी तौबा इसी के लिए है, वो इसी के उन्होंने एक जो वादा था उसकी वादा के खिलाफ ही कि आज भी बॉर्डर के ऊपर हमारे लिए पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है, उसको तोड़ता है तो हम उनको मारेंगे, हर मुल्क के अंदर होगा, जहाँ जहाँ हदें हैं वो सीज फायर करेंगे, जो मुहाहिदा किया गया है कि भाई इससे हद से आगे मत बढ़ना, हद से आगे बढ़ेगा तो उससे लड़ेंगे, इसीलिए तो फौजें रखी हुई, हर देश क्यों रखता है इतनी बड़ी फौजें, इसीलिए रखता है कि भाई ताकि वो अमन कायम रहे तो अंदर, और ये हद से आगे बढ़े तो इनको रोका जाए, उनसे जंग लड़े, तो ये तो पूरी दुनिया के अंदर हर छोटे से छोटा मुल्क भी रखता है। तो ये इसी के लिए थी, तो ये इस्लाम का गलत हमारे तस्वुर रखा जाता है, और इसी की वजह से इसको गलत जो है ये तारीखी रिवायतों के अंदर जो बातें आ गई हैं कि ऐसा ऐसा किया जाता था और ऐसे खत भेजे जाते थे, तारीखी रिवायत की तहकीक ही नहीं हुई, वो हदीसों की तहकीक आज तक पूरी नहीं हुई, अभी भी चल रही है। अब ये एक बात और मैं बता के ख़त्म करूँ, फिर ये तो एक बहुत बड़ा मौजू है और मेरे लेवल का है भी नहीं जंग जिहाद, और ये तो बहुत बड़ा, एक जरा सी चूक होगी तो सारा बवाल आ जाता है इसके ऊपर, अपने लेवल का है भी नहीं, तो इसके अंदर ठीक है बात आ गई, तो मैंने आपको जितना मेरे पास में है सोच सकते इल्म है इतना मैंने आपको बता दिया।